तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अवध विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि योगी सरकार जी के द्वारा जो आपको फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन मिलना था, उसके मैसेजेस बच्चों को आने शुरू हो गए। जी हाँ दोस्तों, बीएड के बच्चों को भी मैसेजेस मिले हैं, बीए बीएससी वालों को भी मैसेजेस मिले हैं। मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों को मिलना है उनके मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। पहले मैसेज देख लेते हैं, फिर बात करते हैं कि कब मिलेगा क्या मिलेगा। देखिए कुछ मैसेज इस प्रकार से आ रहा है। ये अवध विश्वविद्यालय की एक बच्ची का मैसेज आया हुआ है जो कि बीएड करती हैं। उनको ऐसे लिख के आया कि उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण योजना 2021-22 के प्रथम चरण के वितरण कार्यक्रम में आपको चयनित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। दोस्तों ऐसे मैसेजेस सबको आए हैं। ये बीएड सेकेंड ईयर की छात्रा है, इनका ये मैसेज आया है और ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। मैं आपको कुछ और मैसेज दिखाता हूँ। दोस्तों ये मैसेज आए हैं, देख सकते हैं आप 5:15 पे ये मैसेजेस आए हैं और ये मैसेज 5:27 पे आया हुआ है। और भी मैसेजेस आए हैं दोस्तों, और भी बच्चों को आप देख सकते हैं 5:03 पे ये मैसेजेस आए हैं। सबको यही मैसेज मिला है कि उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण योजना 2021-22 के प्रथम चरण के वितरण कार्यक्रम में आपको चयनित किया जाता है। अब कुछ बातें समझनी है इससे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहली बात आपको ये समझना है, पहले ये डेट देख लीजिए कि फ्राइडे को, यानी कि आज ही के दिन आया है, फ्राइडे को दोस्तों ये मैसेजेस आया है। तो आपको सबसे पहली बात ये जानिए, देखिए एक ही कॉलेज के एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को कुछ को ये मैसेजेस आए हैं और कुछ बच्चों को नहीं आए हैं। मैं फिर से कह दूं कि अभी मैसेजेस सीरियल वाइज आ रही हैं, मे भी आपका अभी अभी थोड़ी देर में आ जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं टाइमिंग भी भिन्न भिन्न है, तो मैसेजेस आएंगे। ठीक है, अब ये प्रथम चरण कब होगा, जैसे यूनिवर्सिटी एक डिसाइड करती है एक डेट, उस डेट को सारे बच्चों को कैंपस के अंदर आना होगा और उस दिन आपको वितरण किया जाएगा। तो दो चीजों का आपको इंतजार करना है, पहला क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से डेट और दूसरा आपकी कॉलेज की तरफ से मैसेजेस। और एक चीज मैं और बता दूं आपको, ऐसा नहीं कि आप खुद से आप कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे, आपकी कॉलेज बकायदा आपका पूरा इंतजाम करेगी, सारे आपके कॉलेज के बच्चों को एक साथ इकट्ठा करके आपके कॉलेज वाले खुद आपको लेकर आएंगे, तो आप वैसे आप पा सकते हैं स्मार्टफोन। तो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं एक चीज बता दूं, क्लियर कर दूं कि सारे बच्चों के अभी मैसेजेस नहीं आए हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। बीएड सेकेंड ईयर की ये छात्रा है जिनको ये मैसेजेस मिला है, तो अगर आपका आया ये मैसेज तो बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक आपको। अगर आपको नहीं आया तो डेफिनेटली आएगा। देखिए टैबलेट और स्मार्टफोन बहुत ज्यादा बच्चों को दे रहा है, अभी कम ही बच्चों का नामांकन हो पाया है। लेकिन अवध विश्वविद्यालय से संबंधित ये खबर है और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा स्टेप है अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। इससे पहले कुछ इस तरह की सूचना किसी को ऑफिशियल नहीं आई थी, लेकिन इस बार ये अवध विश्वविद्यालय के बच्चों को, स्पेशली बीएड के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी की है, क्योंकि बीएड के बच्चों को ये ऐसे मैसेजेस आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी मैसेजेस आ गया होगा, और नहीं आया तो पता करिए कि क्या आपके कॉलेज के किसी बच्चों को आया है। आया होगा, जरूर आया होगा। अगर नहीं आया तो थोड़ा वेट करिए, आपको भी मैसेज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको मैसेज आ गया होगा ये वाला। अगर नहीं आया तो कमेंट में बताइए, अगर आ गया हो वो भी कमेंट बताइए। बाकी इससे संबंधित जो भी कोई सूचना होती है आपको मेरे चैनल पे बता दिया जाएगा, और आगे की जो भी खबर होती है कि कब मिलना है, कैसे जाना है और आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, वो हर एक चीज सूचना दी जाएगी। लेकिन अभी याद रखिए, अवध विश्वविद्यालयों के लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि जिन बच्चों को मिलना है उनके मैसेजेस आने शुरू हो गए। आई रिपीट, कंप्लीट मैसेजेस नहीं आए हैं, अभी मैसेजेस आने शुरू हुए हैं, तो जल्द से जल्द आपको भी मैसेज आ जाएगा। दोस्तों जैसे ही आपको मैसेज आता है कमेंट में बताइए, मुझे भी जानकारी दीजिए कितने बच्चों को मिल गया। और हाँ, जब कैंपस के अंदर मिलेगा आपका ये स्मार्टफोन, मैं वहीं रहूंगा, we can meet there on that day. So उम्मीद है दोस्तों मैसेज आ गया होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।